टॉप 5 बेस्ट फोन्स अंडर 20,000 रुपीज। सो हे दोस्तों, क्या आप भी आज के समय पर अपने लिए 20,000 रुपए के अंदर कोई अच्छा और परफेक्ट फोन ढूंढ रहे हैं, जहां पर आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी स्पेसिफिकेशन धमाकेदार मिले, जैसे कि डिस्प्ले क्वालिटी कमाल की हो, मल्टीमीडिया स्पीकर्स हो, तगड़े कैमराज, जहां पर आपको OIS के फीचर्स भी मिल जाए और तो और फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस भी मिले। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जो कि सैमसंग की तरफ से इस बजट के अंदर आने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि प्लास्टिक की बैक आपको मिलेगी, बट ओवरऑल यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, और साथ ही 8.8 मिलीमीटर की थिकनेस और 208 ग्राम के साथ में आता है, क्योंकि 4 के अंदर आपको यहां पर बड़ी बैटरी भी दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले, साथ ही आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 1000 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, वाइट वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है, और रही बात गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको बहुत अच्छी दी गई है, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच की जगह पर यहां पर पंच होल होता तो और ज्यादा कमाल हो जाता। चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते अब यहां पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहां पर 3 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और यहां पर आपको OIS का फीचर भी दिया गया है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। रही बात इमेज क्वालिटी की, तो इमेज क्वालिटी में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया, तो आपको यहां पर इमेज आउटपुट काफी अच्छे मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहां पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का F2.0 वाला सेंसर जो कि आपको यहां पर डिसेंट क्वालिटी की आउटपुट निकाल कर दे देता है, और रही बात वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। सो ओवरऑल कैमरा के मामले में ये फोन काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5nm बेस्ड 1280 का चिपसेट, और यहां पर आपको दिया गया आर्म वाली G68 का GPU जो कि आपको यहां पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराने वाला है। जी हां दोस्तों, आप यहां पर मीडियम लेवल की ही गेमिंग कर सकेंगे, साथ ही साथ आपको यहां पर लगभग 460,000 के आसपास Antutu स्कोर मिल जाते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4 SC रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलेगा। रही बात यहां पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहां पर 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा दिया गया है, साथ ही ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई एडेप्टर नहीं दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल तो अच्छा है, लेकिन एडेप्टर होता तो और अच्छी बात होती। तो चलिए बात करें तो कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, तो ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलने वाले और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी फोन काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं पर बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12+ 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी कमाल की बात है। और अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे लगभग 19,000 रुपए, बट अभी आपको यहाँ पर कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं जिन्हें अप्लाई करके ये स्मार्टफोन आप अंडर 17,000 रुपीज की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है इस बजट के अंदर आने वाला एक लेटेस्ट फोन, और ये फोन यहाँ पर इन्फिनिक्स का GT10 Pro। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो इस फोन का जो लुक है वो भी काफी यूनिक है। हालांकि आपको बता दूं कि प्लास्टिक बिल्ड पर ही आता है, लेकिन बैक साइड आपको यहां पर ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको बैक साइड में आपको यहां पर कुछ LED लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल यहां पर जो लुक है फोन का वो तो काफी कमाल का है, और बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहां पर काफी अच्छी मिलती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहां पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 10-bit की सुपर AMOLED पैनल आपको मिल जाती है, और दोस्तों अच्छी बात है कि LTPS डिस्प्ले तो नॉर्मल डिस्प्ले से काफी ज्यादा बेटर है, साथ ही 900 nits तक की पीक ब्राइटनेस, और आपको यहां पर NEG ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इन सभी के अलावा HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी है, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी आपको मिल जाएगी। सो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी कमाल की मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहां पर कैमरास की। हालांकि आपको बता दूं कि ये गेमिंग फोन है, तो यहां पर कैमरा पर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है,
बैक साइड में आपको यहाँ पर तीन कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, जो कि EIS के सपोर्ट के साथ में आता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ आपको मिलेगा और साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। वहीं पर अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS और फ्रंट से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीरा टेक डायमेंसिटी 8050 का 5G चिपसेट, जो कि 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो हीटिंग डेफिनेटली आपको काफी कम मिलती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फोन के अंदर वेपर लिक्विड कूलिंग चेंबर भी दिया गया है। इन सभी के अलावा ये स्मार्टफोन ऑनतुतु पर लगभग 7 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज और LPDDR4X की रैम का सपोर्ट भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिलेगी। बात करें पावर हाउस की तो बैक साइड में 5000mAh की एक अच्छे साइज की बैटरी भी आपको मिलेगी। साथ ही ये फोन 45W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप्स वाली पोर्ट भी दी गई है। वैसे आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया, जो कि बहुत कमाल की बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी कमाल की है। और अच्छी बात तो ये कि आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, जहां पर आपको मिलता है XOS 13। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर्स या एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड्स के साथ में आता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो गेमिंग के लिए काफी अच्छा पैकेज है। इस प्राइस पॉइंट में अगर आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपये। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब अगले फोन की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो का T2 5G। दोस्तों ये जो फोन है, ये भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा। हालांकि जो बैक लुक है, ये थोड़ा सा शाइनी डिजाइन के साथ में आता है, बट ओवरऑल लुक और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तो और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 7.8mm की थिकनेस के साथ में आता है और फोन का जो वेट है वो है सिर्फ 172 ग्राम्स, यानी कि काफी लाइट वेट और काफी स्लिम फोन है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.38 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आती है। 413 PPI डेंसिटी का सपोर्ट दिया गया है। इन सभी के अलावा HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 1300 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, तो इंडोर और आउटडोर में कंटेंट वॉचिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की, तो 90Hz की रिफ्रेश रेट और 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर बात कर लेते हैं कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 सेंसर्स दिए गए हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, जो कि F1.79 अपर्चर के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको मिलता है S5K GW3 का एक सैमसंग का सेंसर। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिल जाता है। और दूसरा सेंसर आपको दिया गया है एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वैसे आपको बता दूं कि मेन कैमरा के जो आउटपुट हैं वो काफी कमाल के निकल कर आते हैं, तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आपको बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें गाइस, तो फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि F2.0 अपर्चर के साथ में आता है। और यहाँ पर भी आपको इमेज क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो आप यहाँ पर भी फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट, जो कि हमें काफी सारे स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। काफी स्टेबल है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4 लाख के ऊपर स्कोर कर जाता है, सो आपको यहाँ पर डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। बैक साइड में आपको यहाँ पर 4400mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। हालांकि थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आपको यहाँ पर नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से निकाल कर देती है। साथ ही में ये फोन 44W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर अगर हम कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए, लेकिन आउटपुट काफी कमाल के हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक, हाइब्रिड गार्ड का ऑप्शन
और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही ये स्मार्टफोन अप टू 6 5G बैंड्स को सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वीवो की तरफ से कोई अच्छा सा फ़ोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 18,999 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फ़ोन की। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन का नाम है पोको का X5 Pro। ये फ़ोन आपको पोको X4 Pro से थोड़ा सा डाउनग्रेड मिलेगा, यानी कि प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के काफ़ी अच्छे हैं। साथ में हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। बात करें डिस्प्ले की, तो फ़ोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 10 बिट की AMOLED पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अंदर बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा दिया गया है। आउटपुट भी आपको यहाँ पर डेलाइट में अच्छे मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें, सो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS और बैक से आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है अप टू 30 FPS, तो ये अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 778G का 5G चिपसेट, जो कि बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी मिल जाता है, जो कि गेमिंग में आपकी काफ़ी मदद करता है। वैसे ये स्मार्टफोन AnTuTu पर लगभग 5.5 लाख के आसपास स्कोर भी करता है, सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। और तो और, 4 के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको दिया गया है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 67 वोट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलता है एंड्रॉइड 12, जहाँ पर आपको पोको की कस्टम स्क्रीन MIUI 14 का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑप्शन नहीं मिलते। रही बात 5G बैंड की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। वैसे आपको यहाँ पर लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 और वाईफाई 6 का सपोर्ट भी मिलता है, तो ये अच्छी बात है। बात की जाए प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए इस समय आपको 30,000 रुपये तक पे करने पड़ेंगे। सो फाइनली गाइस, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की। और ये स्मार्टफोन भी इस बजट के अंदर आने वाला एक कम्प्लीटली ऑलराउंडर फोन है और इस स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर लावा का Agni 2। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन फुल्ली ग्लास बिल्ड पर आपको मिलता है। और तो और, आपको यहाँ पर कर्व एजेस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्मार्टफोन के लुक को और भी बेहतरीन बनाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन स्लाइटली हैवी है, 210 ग्राम के वेट के साथ में आता है और फोन की थिकनेस है 8.8 मिलीमीटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के मुखड़े की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल मिल जाती है, जो कि कर्व एजेस के साथ में आती है। साथ ही शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। इन सभी के अलावा HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन, वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। और तो और, आपको यहाँ पर 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। गेमिंग की बात करें तो 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट को फोन सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपने तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े 4 कैमरास दिए गए हैं, जहाँ पर मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि EIS के फीचर के साथ में आता है। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया, जो कि बहुत कमाल की बात है। इन सभी के अलावा 2-2 मेगापिक्सल के आपको यहाँ पर मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि डेलाइट में फोटोज़ भी यहाँ पर काफ़ी कमाल की निकल कर आती हैं, हालांकि थोड़े से और ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है और उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पर लावा कुछ नए अपडेट के साथ इसे फिक्स भी कर देगा। रही बात वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो आप यहाँ पर बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर और सेल्फी कैमरा से भी डेलाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। रही बात वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। तो ओवरऑल से यहाँ पर जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी सी डिसेंट मिलेगी। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 7050 का चिपसेट, जो कि 6nm बेस्ड है और यहाँ पर आपको आम वाली G68MC4 का 4 कोर का GPU भी दिया गया है। वैसे अगर हम AnTuTu की बात करें तो यहाँ पर आपको अराउंड 5,44,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पर डेली परफॉर्मेंस के साथ साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। वैसे आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज और LPDDR4X की रैम का सपोर्ट भी दिया गया है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की।
तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 4700 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी और ये फोन 66 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप भी बहुत आराम से मिल जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलता है एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑप्शन और कोई भी 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 को सपोर्ट करता है। और दोस्तों, यहाँ पर लावा ने यह भी प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 8 और 256 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे लगभग 22,000 रुपये। पर दोस्तों, इस स्मार्टफोन पर लगातार ही आपको कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिलते रहते हैं, जिन्हें अप्लाई करके ये स्मार्टफोन इफेक्टिवली आप यहाँ पर 20,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 20,000 रुपीज़ की प्राइस में। आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, तो जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।